साथियों, आज के इस पवित्र अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वांग्मय का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण वांग्मय महामना के विचारों से, आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा। खासकर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए ये वांग्मय किसी बौद्धिक खजाने से कम नहीं है। बीएचयू की स्थापना से जुड़े प्रसंग, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका संवाद, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनका सख्त रवैया, भारत की प्राचीन विरासत का मान, इन पुस्तकों में क्या कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें से एक वॉल्यूम, जिसका रामबहादुर राय जी ने उल्लेख किया, महामना जी की निजी डायरी से जुड़ा है। महामना की डायरी समाज, राष्ट्र और अध्यात्म जैसे सभी आयामों में भारतीय जनमानस का पथ प्रदर्शन कर सकती है। साथियों, मुझे पता है कि इस काम के लिए मिशन की टीम और आप सब लोगों के कितनी वर्षों की साधना लगी है। देश के कोने कोने से मालवीय जी के हजारों पत्रों और दस्तावेजों की खोज करना, उन्हें कलेक्ट करना, कितने ही अभिलेखागारों में समुद्र की तरह गोते लगाकर एक एक कागज को खोज करके लाना, राजा महाराजाओं के पर्सनल कलेक्शन से पुराने कागजों को एकत्र करना, ये किसी भगीरथ कार्य से कम नहीं है। इस अगाध परिश्रम का ही परिणाम है कि महामना का विराट व्यक्तित्व 11 खंडों के संपूर्ण वांग्मय के रूप में हमारे सामने आया है। मैं इस महान कार्य के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को, महामना मालवीय मिशन को और रामबहादुर राय जी की को और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें कई पुस्तकालय के लोगों का, महामना से जुड़े रहे लोगों के परिवारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब साथियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं।